आपको पता है ज्यादातर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज आर्ट, ये आर्ट है क्या। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आर्ट क्या है। मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है आर्ट को, जिसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं हाउ आर्ट इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, इस सीरीज़ में आपको बताऊंगा मैं आर्ट के हर एक पहलुओं के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है जब हम किसी लाइन खींचते हैं ना किसी पेन से या पेंसिल से, तो उस लाइन से बनी गई जो आकृति जो चित्र होता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं ड्राइंग क्या है ये क्या है, ठीक है। लाइन जब हम खींचते हैं ना सिर्फ लाइन, जिसे स्केच भी कहते हैं, तो वो होता है ड्राइंग, ठीक है। ये पहला मेजर हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा जब हम उस लाइन के बाद ना जब कलर से उसको कंप्लीट करते हैं ना, तब उसे कहते हैं हम पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग कहते हैं जब हम कलर उसमें अच्छे से भरते हैं। कलर कोई से भी हो सकते हैं, वाटर कलर, क्रेयॉन्स, पोस्टर, एक्रेलिक, ऑयल, कुछ भी कलर यूज़ करके जैसे आपने तैयार कर दी एक पेंटिंग, तो वो एक पेंटिंग कहलाएगी, ठीक है। इन दो चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों की कि ड्राइंग क्या है, पेंटिंग क्या है, या दोनों एक ही है। देखिए ड्राइंग बेस है, पेंटिंग उस पर इमोशन क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं। देखिए जब हम किसी पत्थर को, क्ले को अच्छे से यानी कुछ शेप देने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या कुछ करेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो मूर्तिकला होती है हमारी, स्कल्पचर आर्ट, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए जहाँ पर ड्राइंग होती है 2D और पेंटिंग भी 2D होती है, वहीं पर हमारा जो स्कल्पचर होता है ना वो 3D होता है, उसमें 3rd dimension होता है। पेंटिंग को आप अगर ऐसे देखोगे तो दिखेगी, बट ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगी। तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ रहूँगा। हमारा चौथा हिस्सा है जब हम लकड़ी, लोहा, सीमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करके भवन और इमारतें बनाते हैं ना बड़ी बड़ी, तो वो होती है वास्तुकला, ठीक है। उसको कहते हैं आर्किटेक्चरल आर्ट, ठीक है। जो बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें देखी होगी जैसे पार्लियामेंट और बहुत सारे, वो आर्किटेक्चरल आर्ट है, वो भी एक आर्ट का हिस्सा है, ठीक है। और पांचवी चीज़ आती है, देखिए जब कोई बहुत अच्छा लिखता है, चाहे वो कविता हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, सबको ना जो लिखते हैं अच्छे से वो होते हैं साहित्यिक कला, ठीक है, जिसे लिटरेचर आर्ट भी कहते हैं। जैसे बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई कविता बहुत बढ़िया लिखता है, कोई गद्यांश, कोई लेखक है, कोई न्यूज़पेपर के लिए लिखता है, तो वो क्या है, वो एक आर्ट है, जिसे लिटरेचर आर्ट कहते हैं, साहित्यिक कला। और अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट में, जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होते हैं, जब हम पूरी बॉडी का यूज़ करके, बॉडी का जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है। और इसके अंदर आते हैं डांस, एक्टिंग और सिंगिंग। देखिए जिसमें पूरा परफॉर्म कर रहा है ना कोई बंदा, तो समझ जाओ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये 6 हिस्से थे जिसको आप आर्ट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लोग सोचते हैं आर्ट का मतलब ड्राइंग पेंटिंग है, नहीं, आर्ट बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 फील्ड अच्छे से आपको बता दी है कि आर्ट की जो मेजर 6 फील्ड के लिए जाना जाता है आर्ट, वो क्या है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केशव दिस साइड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।